नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आगामी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, सकुशल, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पन्ना लाल सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में निर्वाचन संबंधी समस्त प्रभारी अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह द्वारा मतदान मतगणना हेतु क्रमिकों की नियुक्ति, पोलिंग पार्टी की रवानगी, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, कंट्रोल रूम, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, लेखन सामग्री, मत पेटी एवं मतपत्र व्यवस्था, पोलिंग पार्टियों हेतु वाहन व्यवस्था, डाक मतपत्र व्यवस्था, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, डिजिटल कैमरा, वेबकास्टिंग व्यवस्था, टेंट फर्नीचर, बैरिकेडिंग एवं प्रकाश व्यवस्था, मीडिया सेल एवं संचार आदि व्यवस्थाओं से संबंधित प्रभारी अधिकारियों को उनके कार्य एवं दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जनपद में 3 नगर पालिका परिषद उन्नाव, गंगाघाट एवं बांगरमऊ तथा 16 नगर पंचायत अचलगंज, फतेहपुर 84, गंज मुरादाबाद, कुरसठ, उगू, सफीपुर, मोहन, हैदराबाद, रसूलाबाद, न्योतनी, औरास, नवाबगंज, बीघापुर, भगवंत नगर, मोरावा एवं पुरवा में निर्वाचन कराया जाएगा। सभी 19 नगरीय निकायों में मतदान कराने हेतु कुल 184 मतदान केंद्र तथा 532 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 23 जोनल तथा 51 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। मतदाता सूची के अनुसार सभी निकायों के 266 वार्ड में 248,158 पुरुष एवं 219,227 महिला, कुल 4,67,385 पंजीकृत मतदाता हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी लोग दिए गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। कोई भी समस्या होने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से सहयोग लेकर निर्वाचन कार्य को पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराएं। सभी SDM एवं तहसीलदार आपस में समन्वय बनाकर निरंतर बूथों का निरीक्षण करते रहें। किसी भी बूथ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन के दौरान अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति मतदाताओं को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर किसी पार्टी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में CDO प्रभारी मतदान एवं मतगणना कार्मिक कृषि राज, ASP शशि शेखर सिंह, ADM न्यायिक विकास कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट फ्लाइंग स्क्वाड नियुक्ति एवं प्रशिक्षण विनय कुमार गुप्ता, CMO प्रभारी मेडिकल डॉक्टर सत्य प्रकाश, DDO संजय पांडे, प्रभारी लेखन सामग्री कुलदीप मिश्रा, प्रभारी मीडिया सतीश कुमार आदि, प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आदि लोग मौजूद रहे। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।